प्यारे भाई और बहनों, मैं हूं कैश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शेजर। तो आज की ये वीडियो है, ये E3 के कवर अप पे है। तो देखो, निंटेंडो का इसमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये चैनल निंटेंडो के लिए नहीं है, ये सिर्फ PC गेमिंग और कंसोल गेमिंग के ऊपर है। तो निंटेंडो वाले भैया नहीं यहाँ पे, अभी आप वीडियो छोड़ जाओ पर लाइक मार के जाओ जो भी। तो सबसे पहली जो हमारी गेम आ रही है वो आ रही है गोस्ट रनर की। आप स्क्रीन शॉट देखिए, बहुत ही प्रॉमिसिंग गेम है, बहुत ही अच्छी गेम है। और मुझे ऐसा लगता है इस गेम का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि ये एक तरीके से डीमन किलिंग गेम है। प्लस इसमें एक और चीज़ है कि ये मिरर एज जैसी दिखती है, तो उसकी वजह से गेम काफ़ी अच्छी चलेगी। दूसरी जो हमारी गेम आ रही है वो आ रही है आउटलास्ट ट्रायल्स। तो आउटलास्ट ट्रायल्स ये आउटलास्ट 3 हो सकती है, पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि प्रीक्वल है या सीक्वल है। ये निकल गया तो ये आउटलास्ट, तो भाई देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट्स देख लो, काफ़ी अच्छे हैं। तो इसका ट्रेलर भी आया हुआ है और मुझे तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। आपको अपनी परसेप्शन पे है आपकी, आपको लगे या ना लगे। तो आउटलास्ट ट्रायल्स जो है हमारे काफ़ी अच्छे रहेंगे खेलने के लिए और काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेंगे। अब हमारी जो अगली गेम आ रही है वो आ रही है रेमिनेंट फ्रॉम द एशेस का एक DLC आ रहा है। 2923 DLC है ये, 2923 DLC काफ़ी अच्छा रहेगा, ये काफ़ी शानदार दिख रहा है दिखने में। तो जिनके पास रेमिनेंट फ्रॉम द एशेस था वो इसके लिए वेट कर लो, जो लॉकडाउन के बैठे हैं भैया उनको तो मुश्किल ही है। तो अगली जो हमारी गेम आ रही है वो आ रही है माफिया फोर के ट्रेलर जो निकला है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रॉमिसिंग है। गेम प्ले कुछ नहीं दिखाया, कोई सीन नहीं दिखाया, बस दे दिया भाई लो निकलो चलो। और माफिया डेफिनेटिव एडिशन, ये वो माफिया 1 का रीमेक है भाई, कहानी खत्म, अच्छी बात है। उसके बाद जो हमारी गेम आ रही है वो आ रही है डर्ट 5, बहुत ज़्यादा अच्छी गेम है। उसके अलावा ग्रैंड टूरिस्मो 7, ब्रो ये दोनों रेसिंग गेम्स हैं जो हमेशा से लोग देखते आ रहे हैं। ग्रैंड टूरिस्मो 7 तो चलो प्ले स्टेशन पे ही निकलेगी, वो प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव है, पर डर्ट PC के प्लेयर्स भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को PS5 के बारे में बताता हूँ। PS5 निकल चुका है गाइस, और PS5 बहुत धमाकेदार है, बहुत तगड़ी लुक है, ऐसा लग रहा है एलियन वेयर के किसी पुराने कंप्यूटर जैसा है, एलियन वे के जैसा पहले आते थे कंप्यूटर, एकदम एलियनिश डिजाइन है इसका। अब कई लोग यार इसको वाईफाई राउटर से कंपेयर कर रहे हैं, भाई मेरा तो वाईफाई राउटर ऐसा है नहीं, और अगर तुम्हारा राउटर ऐसा है तो भाई मुझे क्या बोलूँ मैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वाईफाई राउटर महंगा लगाया है तुमने। पर भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बुरा मत मानना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका डिज़ाइन। तो अब हम जिन गेम्स की बात करने वाले हैं वो बहुत तगड़ी गेम्स होने वाली हैं। सबसे पहले उन गेम्स में आती है होराइजन ज़ीरो डॉन का सेकंड पार्ट आया है, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट के एकदम शानदार है, PS एक्सक्लूसिव है, ये प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव है। 4 के लिए शायद ये ना आए, 3 के लिए तो आ ही नहीं सकती, तो ये PS5 के लिए ही आएगी। और PS5 बहुत पावरफुल है, 16 GB की रैम, 2060 इक्विवेलेंट ग्राफिक्स, तो मुझे लगता है PS5 5 से 10 साल आराम से चला सकता है अगर आपके पास पड़े होंगे तो पैसे। हाँ, बट एक बात मैं आगे जाने से पहले बोलूँ यार, मुझे प्ले स्टेशन गेमर्स का समझ नहीं आता, मतलब $500 में इतना रोते हैं। $500 का तो PC वाले से ग्राफिक कार्ड ले देते, कई बार तो $500 का प्रोसेसर आ जाता। अगर i9 लेने जाओगे या i7 का हाईएस्ट वेरिएंट लेने जाओगे, या सबसे अच्छे तो राइजन के आप अच्छे वेरिएंट लेने जाओ, Ryzen 9 आ जाता है, तो एक प्रोसेसर के लिए हम उतना देते हैं जितना तुम पूरे कंसोल के लिए दे रहे हो, और वो भी उतना पावरफुल जितना एक हाई एंड प्रोसेसर पावरफुल होता है। तो मुझे नहीं पता तुम लोग रो क्यों रहे हो, पर ऊपर से उसके अंदर ब्लूरे ड्राइव भी है ब्रो, कम ऑन, SSD है साथ में। मेरे PC में अभी SSD नहीं पड़ी हुई, दिस इज आई डू नॉट नो व्हाट द हेल दिस प्ले स्टेशन पीपल वॉन्ट। हाँ, बस ये है कि उनको PSN का पैसा देना पड़ता है, प्ले स्टेशन नेटवर्क का, जो गेम क्योंकि गेम कंपनीज के सर्वर प्रोवाइड नहीं करती, सर्वर इनके प्ले स्टेशन ही प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके लिए वो रोते होंगे शायद से। तो हम आगे आते हैं, आगे हम
आगे हम जिस गेम की बात करने वाले हैं वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम्स है और वो है हिटमैन 3। तो हिटमैन 3 के आप इमेजेस देखिए, काफी शानदार गेम है पर गेम प्ले कोई नहीं है भाई। गेम प्ले नहीं क्यों नहीं दे रहे भाई, गेम प्ले क्यों नहीं दे रहे? चलो गेम प्ले नहीं आया तो नहीं सही। हम अगली गेम की बात करते हैं। अगली गेम है Resident Evil 8 यानी कि Resident Evil Village, VIL का एक और L का एक यानी 8। Resident Evil 8 अब इसमें दिखाया है हमें फिर से मेन प्रोटैगनिस्ट Ethan, ठीक है, Ethan को मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया और यहाँ पे एक सीन दिखा हुआ है जहाँ पे क्रिस रेडफील्ड ट्रेलर में मिया के सर पे दो गोलियां चलाता है, फिर इधर बोलता है बाय। बहुत अच्छी स्टोरी रहेगी इसकी क्योंकि Resident Evil है यार, कैपकॉम है, डेविल मे क्राई जैसी गेम बनाती है कैपकॉम, कैपकॉम पे हमेशा से भरोसा आया था। और अगली जो गेम आ रही है वो आ रही है NBA बास्केटबॉल वाली गेम जिसमें डॉक्टर डिसरिस्पेक्टेड टू टाइम चैंपियनशिप ली थी, NBA 2K21 और NBA 2K21 आ रही है। तो भाई काफ़ी अच्छी रहेगी गेम, बहुत अच्छी रहेगी, आपको खेलनी चाहिए अगर आप बास्केटबॉल फैन हैं तो, या आप NBA में पहले भी खेलते हैं तो। तो अगली जो गेम आ रही है भाई साहब वो आ रही है स्टार वॉर्स की तरफ से, स्टार वॉर्स की ये गेम आ रही है कि नहीं, तो काफ़ी अच्छी गेम है ये, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स लग रहे हैं मुझे, पर मुझे लग रहा है ये एयरप्लेन उड़ाने वाले की एक गेम होगी तो मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप भी शायद इंटरेस्टेड ना हो। तो अगली हमारी जो गेम आ रही है उसके लिए मैं मोस्ट इंटरेस्टेड हूँ, मोस्ट यानी ये मोस्ट इंटरेस्टेड, वो है स्पाइडरमैन माइल्स मोरल्स। तो ये स्पाइडरमैन माइल्स मोरल्स क्या है? स्पाइडरमैन माइल्स मोरल्स वही स्पाइडरमैन है जो इट टू द स्पाइडरवर्स वाली मूवी में आपको ब्लैक स्पाइडरमैन मिला था, जो गायब हो सकता है, स्टैटिक शॉक फैक्टर और काफ़ी कूल है और बहुत सेक्सी म्यूजिक सुनता है पोस्ट मेलोन का, ये वही स्पाइडरमैन है। और भाई मज़े आएंगे तुम लोगों को इसके देख के, मज़े कतई मज़े। अब अगली जो गेम आ रही है वो फाइनल फैंटेसी लवर्स के लिए है, वो है प्रोजेक्ट आथिया जो है। प्रोजेक्ट आथिया बहुत सही है लग रहा। उसमें क्या है कि हाशिरामा की तरह, अगर आपको नारुतो का एनीमे पता होगा तो हाशिरामा की तरह बता जड़े उखाड़ उखाड़ के मार सकता है अपने उसको, पावर्स ऐसी जैसे भाई क्या बात है, ऊंची ऊंची जप्पे मार रहा है, ऐसा लग रहा है कि नारुतो स्टाइल की गेम है, पर है नहीं है, ये फाइनल फैंटेसी है क्योंकि एक एल्डर प्राइम कुछ ऐसी, एल्डर या प्राइम ऐसी पावर्स होती हैं फाइनल फैंटेसी में जो आपको ऐसी पावर्स दे सकती है, तो उसी के ऊपर बेस रहा है। तो ये शायद से अगर जो फाइनल फैंटेसी खेलते हैं उनको ये, मुझे इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एरिथ की बेटी लग रही है, तो कुछ भी हो सकता है गाइस, बच के रहियो। अब कुछ ऐसी गेम्स की बात करते हैं जो भाई मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक गेम मुझे लगी काफ़ी अच्छी, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही थी और उसका नाम था गॉडफॉल। तो गॉडफॉल के ग्राफिक्स वगैरह कुछ मेडिवल टाइप की गेम तो नहीं लग रही कि मतलब एक बीच के एरा की है कि मेडिवल में लोग हो के ओवर पावर्ड, कुछ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप भी गॉडफॉल के स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, तो गॉडफॉल बहुत अच्छी गेम है। तो गाइस मेरे गेम वाले सेक्शन में सिर्फ यही था, मुझे यही गेम जो थी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। अगर एक दो गेम जो आगे और आती हैं तो उसके ऊपर कवर वीडियो मैं शायद बनाऊँ। तब तक लिए देखते रहिए मेरे चैनल और करते रहिए सब्सक्राइब आपके अपने भाई को, आपके शेजर को, आपको नए नए पीसी बिल्स, पीसी कंपोनेंट्स, गेमिंग कंपोनेंट और लाइव स्ट्रीम्स डेली होती है गाइस, ऑलमोस्ट कुछ दिनों को छोड़ डेली करता हूँ, देखते रहिएगा। और हाँ गाइस, अगर आपको लाइव स्ट्रीम में कोई गेम देखनी है जो भाई खेले तो भाई कमेंट करो, लाइक करो इसको वीडियो को और कमेंट करके जाओ भाई, कमेंट करके जाओ भाई। तब तक लिए लेता हूं आपसे अलविदा, धन्यवाद, गुड बाय एंड सायोनारा।